Hello friends, welcome to my channel English Boards by Kiranjit Kaur. So let's take up a topic of class plus one, The Summer of the Beautiful White Horse by William Sayron. So chalo aaj plus one ka topic karte hain aur uski back exercise discuss kar rahe hain hum. Question number one, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action, then what in your opinion makes it interesting? आप इस बात को से सहमत होंगे कि कहानी के अंदर ना कोई एडवेंचर है ना कोई एक्शन है, फिर क्या बात है जो इसे इंटरेस्टिंग बनाती है? चलो आंसर करते हैं. Yes, the story definitely doesn't contain any breathless adventure and exciting action. इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि कहानी के अंदर कोई एडवेंचर नहीं है ना ही कोई एक्शन है जो हमें एक्साइट करे. बट विलियम सायरोन हैज गिवन इनसाइट इनटू द वर्किंग ऑफ यंग चिल्ड्रंस माइंड्स. बट विलियम सायरोन हैज गिवन इनसाइट इनटू द वर्किंग ऑफ यंग चिल्ड्रंस माइंड्स. पर विलियम सायरोन ने हमें एक इनसाइट दी है छोटे बच्चों के दिमाग के अंदर कि वो कैसे काम करते हैं. A peep into thoughts, desire and longings of the children from a poor but prestigious family. एक गरीब लेकिन सम्माननीय परिवार के बच्चों के दिमाग के अंदर हम झांक कर देखते हैं कि उनके क्या ख्याल है, क्या सोच चल रही है, क्या उनकी इच्छाएं हैं और क्या वो longings हैं उन बच्चों की. Engaging narrative makes it interesting. और जिस ढंग से कहानीकार ने कहानी को सुनाया है वो इसे बहुत ही दिलचस्प बनाता है. The story is made interesting by the humorous way Murad, Uncle Khosrow are portrayed. और जिस ढंग से characters Murad और Uncle Khosrow के बनाए गए हैं, बड़े हास्यमय ढंग से वो हमें एंटरटेन करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कहानी को. देयर पेट वर्ड्स, उनके स्टॉक वर्ड्स सेइंग्स जो हम कहे हैं, आई हैव अ वे विद हॉर्सेस डॉग्स एंड फार्मर्स, मुझे घोड़ों कुत्तों और किसानों से बात करने का ढंग जो कि हमें मुराद के शब्दों में है बड़ा हास्यमयी रखता है. अंकल कॉसरोव्स वर्ड्स, pay no attention to it, there is no harm, amuses the readers. और अंकल का कहे हुए शब्द, इस बात पे ध्यान मत दो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, readers को बहुत amuse करता है. चलिए अब second question के ऊपर चलते हैं. Question number 2, did the boys return the horse because they were concise striker or because they were afraid? कहता अब लड़के क्यों घोड़ा वापस कर देते हैं, क्योंकि वो कंसाइज स्ट्राइकर थे और या वो डर गए थे? आंसर इज द बॉयज बिलोंग टू गैरोगोलियन फैमिली व्हिच वाज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. वो ऐसे घराने जिसका नाम गैरोगोलियन फैमिली था जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती थी. No one in their tribe had ever been accused of any sort of dishonesty, theft or any crime. उनके घराने में कभी भी किसी के ऊपर बेईमानी का, चोरी का, किसी अपराध का इल्जाम लगा था. The boy had stolen the horse for joyride, considering it not stealing at all. लड़कों ने घोड़े को चुराया था सिर्फ enjoyment के लिए, ये सोचते हुए कि घोड़ा जॉय राइड के लिए ये लेना कोई चोरी नहीं है. वन डे बॉयज वर इन ट्रबल, एक दिन लड़के मुश्किल में आ जाते हैं. व्हेन दे मेट जॉन बायरो हु रेकग्नाइज्ड द हॉर्स टू बी हिज, जब जॉन बायरो जिसने घोड़े को पहचान लिया था और वो उसका मालिक था, बट कुड नॉट से एनीथिंग, पर कुछ कह नहीं सका, because he knew about the family's honesty, क्योंकि वो परिवार की ईमानदारी के बारे में जानता था. Now boys were left with no choice. अब लड़कों के पास और कोई choice नहीं थी but to return the horse in order to save their family name. अपने परिवार का नाम बचाने के लिए उन्हें घोड़ा वापस करना ही था. Their concise pricked them.
उनकी अंतर आत्मा ने उन्हें झिझोड़ा एंड दे रिटर्न द हॉर्स और उन्होंने घोड़ा वापस कर दिए. दस इट इज अ मिक्स ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड फियर ऑफ पनिशमेंट कंपेल द बॉयज टू रिटर्न द हॉर्स. अब हम कहें कि ये मिश्रण है फैमिली वैल्यूज का और सजा का डर जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपना घोड़ा वापस कर दे. सो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ट्राइब डिड एरम एंड हिज कजन मुराद बिलोंग टू. कौन से घराने से संबंध रखते एरम और उसका कजन मुराद. व्हाट वाज देयर ट्राइब नोन फॉर. उनका घराना किस बात के लिए जाना जाता था. एरम एंड हिज कजन मुराद बिलोंग टू गैरोगेलियन फैमिली. उनका संबंध गैरोगेलियन परिवार से था. Their tribe was famous for its honesty. उनका कबीला अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था. Garugulian family was proud, honest and just. Garugulian कहानी के लोग प्राउडी थे, स्वमानी थे, honest थे और इंसाफ करने वाले थे, justice थे. No member of their family could ever think of stealing. उनके परिवार में कभी किसी ने चोरी करने के बारे कभी भी नहीं सोचा था. चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड पीपल से अबाउट मुराद. लोग मुराद के बारे में क्या कहते थे. हु हैड ही इनहेरिटेड द वीकनेस फ्रॉम. किससे उनसे ये कमजोरी विरासत में मिली थी. मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव. मुराद बहुत जिंदा दिल था और इसी बात को अपनी जिंदा दिली को एंजॉय करता था. ही वॉज एडवेंचरस बाय नेचर और उसे जोखिम भरे काम करना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि ये सब चीजें उसके स्वभाव में भी थी. देयर वॉज अ स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस इन द फैमिली. परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी पागलपन की एक यानी छवि नजर आती थी. यानी हर पीढ़ी में एक पागल होता था उनके से परिवार में. He inherited from Uncle Khosrow. और यहाँ पर मुराद ने ये पागलपन इनहेरिट किया था अंकल कॉसरोव से. He used to say he had a war with horses, dogs and farmers. मुराद अक्सर कहता था उसे घोड़े कुत्ते और किसानों से बातें करनी आती हैं. चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. और अगला क्वेश्चन है जी, Who was the real owner of the beautiful white horse? और सफेद घोड़े का असली मालक कौन था? How did Aram come to know about him? उसके बारे में Aram को कैसे पता चला? और आंसर ऐसा है जी, Real owner of the beautiful white horse was John Byron, a farmer. घोड़े का असली मालक जॉन बायरो था, जो कि एक किसान था. He had bought it for $60. $60 का उसने ये घोड़ा खरीदा था. On a visit to Aram's house, he complained of his loss. जब वो Aram के घर जाता है, तो अपने नुकसान की शिकायत करता है. This assured Aram that the horse had been stolen by Murad. और इस बात से उसे विश्वास हो जाता है कि जो मुराद है उसने घोड़ा चुराया है. सो चलो अब अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज कॉमन बिटवीन मुराद एंड एरम. एरम और मुराद के बीच में एक जैसा क्या था. इन व्हाट रेस्पेक्ट डिड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. और वो एक दूसरे से अलग कैसे थे. पहले हम करेंगे उनमें एक जैसा क्या था, फिर उनके बीच में अलग क्या था. मुराद एंड एरम वर कजिन्स. वो चचेरे भाई थे एंड दे बिलोंग टू गैरोगोलियन फैमिली और वह गैरोगोलियन घराने से संबंधित थे. बोथ हैड ए कॉमन क्रेज फॉर हॉर्स राइडिंग. दोनों पागल थे घुड़सवारी के लिए. बट एरम वॉज मोर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड देन हिज कजिन. एरम जो था वो ज्यादा ईमानदार था और मुंह पर सीधी बात करने वाला था अपने कजिन से के कंपैरिजन में. मुराद हैड ए स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस. मुराद हम कहें कि एक पागल था. ही कुड टेल लाइज. वो झूठ भी बोल सकता था. ही वॉज बूस्टफुल. वो अपना रोहब डालता था. एरम वॉज सिंपल हार्टेड. एरम जो हम कहें कि अच्छे दिल का साधारण सा लड़का था.
Next question is, who was Uncle Khosrow? Uncle Khosrow कौन था? What were some notable traits of his character? वो कौन सी बातें थी जो कि उसके character के अंदर notice की जा सकती थी? Answer is, Uncle Khosrow was crazy. Uncle Khosrow पागल था. He was short-tempered. उसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था. And impatient as well. और बेसब्र भी था. He stopped others from talking by shouting at them. वो दूसरों को बात करते समय उनके ऊपर चिल्लाकर उन्हें चुप करवा देता था. His talk sayings was उसके pet dialogues जो शब्द वो बार-बार कहता था. It is no harm. कोई नुकसान नहीं. Pay no attention to it. और इस बात के ऊपर ध्यान मत दो. मुराद had got the craziness from Uncle Khosrow. और मुराद को विरासत में ये पागलपन अंकल कौसरव से मिला था. I have tried to cover almost all the questions of this chapter. मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा questions आपके साथ discuss कर सकूँ जो इस chapter को cover करते हैं. I hope you have enjoyed the explanation by me. And I feel कि आप सब को ये समझ आ गया होगा. और do like, share, comment and subscribe my channel English Boards by Kiranjit. Thank you very much.